और यहीं से थोड़ा सा सीधा जाके सामने वाला एक रूम है। सो गाइस एक स्लाइडिंग गेट ये वाला है, बहुत तेज धूप आ रही है, अभी अंदर चल लेते हैं। ये खोल दो फिर अभी। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस जैसे कि मैंने मनाली वाले लास्ट व्लॉग के अंदर बोला था कि मेरे चैनल पे कुछ बड़ा आने वाला है, सो ये वो बड़ा था कि मैंने नया घर लिया है। मतलब मेरी पूरी फैमिली ने वर्क करके पूरा घर लिया है, ये सिर्फ एक फ्लोर। सो अभी मैं उसकी पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, तो अभी तो उसके अंदर कोई भी सामान नहीं आया है। जब मैं मनाली में था तब इन्होंने मेरे को सरप्राइज करा आके कि हम यहाँ से घर शिफ्ट कर रहे हैं, ये वो। तो थोड़ा मेरा लड़ाई हो गई थी घर वालों से, मेरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा हम वहाँ वाले घर पे जा रहे हैं जो मैंने इससे पहले वाले बता रखा है, राजस्थान वाले। मेरे मम्मी पापा ने जब मैं इतना सा था तब से वहाँ पे लेके छोड़ी हुई है। सो काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि वो मैंने लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को घर वालों ने बोला कि हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो मेरे को ऐसा लगा कि हम वहाँ वाले घर पे जा रहे हैं, और मेरा वहाँ पे जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे जिम वगैरह भी नहीं है दूर दूर तक। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। दो दिन तक मैं अपने घर वालों से लड़ाई करता रहा कि मेरे को नहीं जाना, तुम लोग जाओ। तो वो लोग मेरे से मजाक मस्ती में मजे ले रहे थे, और बाद में उन्होंने मेरे को फोटो दिखा दी यहाँ की। तो इस घर के अंदर मैं दूसरी बार आया हूँ, पहले एक बार जब देखने आया था, और दूसरी बार अब यहाँ पे थोड़ा सा सामान रखने आया हूँ मैं। तो मैंने सोच लिया इस व्लॉग के दो पार्ट बनाता हूँ, अभी तो जैसे खाली हो रखा है पूरा तब दिखाऊंगा, और जब पूरा सामान आ जाएगा इसके अंदर तब पूरा होम टूर करवाऊंगा। सो अभी मैं यहाँ की पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, तो अभी ये ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ये नया बना है, पूरी बिल्डिंग ही नवी बनी है। और जिनका ये घर है वो मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरे पापा और मेरे काफी सारे रिश्तेदारों को जानते हैं, तो काफी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। सो अभी यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ, आपको बाहर से दिखा देता हूँ, फिर नीचे से पूरा ऊपर तक स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, सो ये तो अब सबके घरों में ही लगने लग गया है। और यहाँ पे बेल है, कैमरा है यहाँ पे, जैसे कि अगर मेरे को अपने फ्लोर पे जाना है, अभी मेरे को नंबर नहीं पता मेरे फ्लोर का कौन सा है, तो मैं यहाँ से बेल मारूंगा, मेरी शक्ल दिखेगी यहाँ पे। यहाँ पे माइक है, मतलब ये सब चीज़ों पता ही है सबको, ठीक है। तो मैं नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ। सो गाइस बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, तो मेरे ख्याल से बंद ना हो गया, नहीं खुला खुला खुला, नहीं तो बेल मारनी पड़ती। और यहाँ पे सारा सामान पड़ा हो, क्योंकि ये अभी नवी बनी है बिल्डिंग, बंद हो गया, पूरी बिल्डिंग अभी नवी बनी है, तो यहाँ पे सामान बिखरा हुआ है, ये हट जाएगा थोड़े टाइम में लॉकडाउन की वजह से। ये थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़े वर्कर नहीं आ रहे, तो ये सामान हट नहीं रहा है, ये जल्दी हट जाएगा, इन्होंने हमें बताया। तो ये अलमारी वगैरह भी सबकी फेंकनी है, ये हमारी नहीं है इनमें से। सो यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, मेरे को खुद नहीं पता, यहाँ पर तो मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ। कोई रूम वूम बने हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टेयर्स है, और ये लिफ्ट, ये पता नहीं किसी साइकिल पड़ी है। तो गाइस ये बाहर से लुक है, तो अभी मिट्टी इसलिए हो रखी क्योंकि यहाँ पे कोई रहने नहीं आया, तो हमें ही अभी करनी है सफाई। बाकी हमने अंदर की सफाई कर ली, अंदर भी काफी गंदा हो रखा था। सो यहाँ पे एक वुडन गेट लगा हुआ है जो ये मेन गेट है, और साथ में लिफ्ट है, और साथ में ही बटन है। तो गेट खोलते हैं गाइस, गेट खुलते सारी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसी लुक है। तो अभी तो मैंने यहाँ की लाइट्स नहीं जलाई है, और थोड़ा सा अंदर चलते ही यहाँ पे किचन है, तो ये हम सामान रखने आए थे। ये वो है, क्या कहते हैं जिसपे, मतलब क्या कहते हैं हम इसको, इसको क्या कहते हैं, हाँ गैस चौक है। ये अभी नया लिया हमने, तो ये अभी मैं खोल के दिखाता हूँ, कल हमने खोल के देखा था, तो यहाँ पे हम इसको लेकर आए हैं। तो यहाँ पे दो सिंक है, और ये भी सिंक है, और इसमें पीने वाला पानी आता है, इसमें पीने वाला आता है, आई नहीं रहा, अच्छा मोटर चलाओगे तब आएगा, ठीक है। तो ये सारा अभी गंदा हो रखा था कल, मेरी मम्मा ने आके सारा साफ कराया। यहाँ पे चिमनी है, यहाँ पे ये लगेगा यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन पहले से ही फिट है। ओके सो गाइस ये यहाँ के दराज है, मतलब जिसके अंदर हम अपना सामान रखेंगे, थोड़ा आगे लाना कैमरा, इसके अंदर कांच की क्रॉकरी वगैरह, ग्लास, ये सब रखेंगे, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। ये क्या है, अच्छा यहाँ पे एक्वा गार्ड लगेगा, है ना, और यहाँ पे आएंगी सारी प्लेट्स ऊपर लगेंगी, और यहाँ पे क्या लगता है नीचे, जैसे इसके अंदर हम अपना वो रख सकते हैं पतीले वगैरह चाय बनाने के लिए, जो नॉर्मली सबके घरों में होता है, और इसके नीचे सबसे बड़े वाले बर्तन, और ये अटैच है इसके साथ, इसके अंदर भी सारा सामान आ सकता है। और यहाँ पे सिलेंडर रखने के लिए जगह है, यहाँ पे कटोरियाँ वगैरह और बर्तन वगैरह रखने के लिए, ये सारी चीज मम्मी को पता है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ऐसी। और इसके अंदर भी प्लेटें आ सकती है, और यहाँ पे डस्टबिन रखने के लिए। और यहाँ पे डस्टबिन रखने के लिए।
सो आपका किचन है, आप ही बताओ। यहाँ पे भी ड्रॉर है, चीनी चाय पत्ती आप रख सकते हो अच्छी तरह से, चीनी चाय पत्ती रख सकते हो यहाँ पे। मम्मी को तो किचन ही चाहिए होती है सारा दिन। आप ही का किचन है, आप ही को पता होगा सारा। और वो चिमनी का ऊपर से जा रहा है जो बाहर ऊपर चल जाएगा छत पे सीधा। ये शॉफर टाइप है थोड़ी विंडो। ये सिलेंडर है, ये इधर फिट हो जाएगा। हाँ, 24 आवर्स को भी आपको सिलेंडर मंगाने, गैस अपने आप फिट हो जाएगा। ये चालू है ऐसे। मुंबई में भी होता है ना? सब जगह है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में तो अब आया, मुंबई में कब का आ रखा था ना। ये खोल दो फिर, अभी खोलो। ये इसके ऊपर क्या है? ये इसके ऊपर क्या है, जैसे ये दूध वगैरह कुछ उबल जाए तो इस पे आ जाएगा, तो आप इसको ही सिर्फ निकाल के धो देंगे। अच्छा अच्छा, ये बेस्ट क्वालिटी का इंडियन है। ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, तो मुझे इंडियन ही चीजें पसंद है। 5 साल की गारंटी लिखी हुई है इसके ऊपर। निकालो, गजब बेइज्जती है। तो हम यहाँ ऐसे लगा देंगे बस, और वो आएगा। ये फिटिंग कौन करेगा इसके अंदर? कंपनी के आएंगे, कंपनी वाले कर देते हैं। वो यहाँ पर अपने आप इसको लोजन से इसको अटैच कर देंगे, पैक लगा के फिर यहाँ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ठीक है, उनको बोल दिए तो वो आ जाएंगे। ये इसके तरह लगा देंगे। वैसे किचन के एकदम जस्ट सामने एक ये अलमीरा है बड़ी सी, पर ये अलमीरा नहीं है। इसके अंदर हम अपने बिस्किट स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, नमकीन वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर बेसिकली हम। और ये फिट है यहाँ पे, ये हिलता नहीं है यहाँ से। और इसके साथ में ही फ्रिज आ जाएगा हमारा। सो गाइस, किचन से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक ये रूम आता है, ड्राइंग रूम होगा ना ये मम्मी? ड्राइंग रूम होगा। तो अभी यहाँ की सारी लाइट्स बंद है, पहले मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ नॉर्मली, फिर इसकी लाइट्स जला के दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमारा सामने टीवी आएगा जो हमने ले लिया, जो यहाँ पे कल शिफ्ट करेंगे हम। पूरा हमारा टीवी यूनिट है, इसके अंदर जो टीवी से रिलेटेड सामान होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। कैसेट्स वगैरह हमारी पुरानी जो पहले की पड़ी हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पे बूफर्स वगैरह रख देंगे हम। तो इस रूम के एकदम साथ ही जस्ट वॉशरूम भी है, ये कल का पड़ा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी एक रूम है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ वॉशरूम की बात कर लेते हैं। छोटा सा एक वॉशरूम है यहाँ पे, और ये मिरर पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ का सिंक, इसके नीचे ही दराज दे रखी है जिसके अंदर हम अपना वो रख सकते हैं, कहते हैं शैम्पू वगैरह, साबुन, जो वॉशरूम की चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे रख सकते हैं हम। और ये शावर लगा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश पॉट लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे ये इस साइड करेंगे तो गर्म और इस साइड करेंगे तो ठंडा आ जाएगा पानी। अभी मेरे ऊपर ही गिर जाएगा अगर शावर ऑन होगा तो। हाँ, शावर यहाँ से ऑन होगा जैसे होटल्स में होता है, और सेम सीन यहाँ पे करेंगे तो ठंडा पानी। अभी गीज़र नहीं लगाना है यहाँ पे। हाँ, जब गीज़र लगेगा तभी ये गर्म पानी आएगा, इसलिए गर्म पानी आ नहीं रहा, इसलिए नॉर्मल ठंडा पानी आ रहा है। और वॉशरूम के अंदर एक छोटा सा एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से सर्दियों में जब कोई बंदा नहाएगा तो जो अंदर गर्म पानी की भाप होएगा वो सारा बाहर चले जाएगा। और ये सारी यहाँ की टाइल्स लगी हुई है नीचे तक, नीचे दूसरी लगी है, यहाँ ऊपर अलग लगी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो ये वॉशरूम कर देते हैं बंद। सो अब आ जाते हैं हमारे मेन रूम में, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला घर। सो ये वाला रूम स्पेशली खाली रहने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ की जो पीछे की वॉल है ये ऐसी की ऐसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने और मेरी बहन ने साथ में मिलकर वीडियोस वगैरह बनाने के लिए लिया है ये रूम। सो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनेंगी, काम होगा, यूट्यूब की वीडियो बनेगी। सो मैं ये वाला रूम आपको दिखाता हूँ। ये वाला रूम इतना स्पेशल क्यों है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे एक स्प्लिट एसी की फिटिंग होगी और ये रूम ऐसी पूरा खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ से एकदम डायरेक्ट सनलाइट आती है। और ये स्लाइडिंग वाला गेट लगा हुआ है हमारा। अभी यहाँ पे कर्टन्स वगैरह भी लग जाएंगे व्हाइट कलर के। और साथ में ये अंदर अलमीरा दे रखी है, वुडन की बहुत प्यारी अलमीरा है, जिसके अंदर मेरी बहन का सारा सामान रहेगा, इसके अंदर पहली बात होगी है। और ये छोटा सा लॉकर है, एक ये दराज है इसके अंदर सारा सामान आएगा। और एक ये नीचे वाला शूज़ वगैरह रखने के लिए, इसके अंदर उसका पूरा सामान आ जाएगा, कपड़े वगैरह जो भी है। यहाँ पे भी एक छोटा सा टीवी आएगा, बट हमने यहाँ के लिए अभी नहीं लिया है, तो भी इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, खाली रहेगी ये जगह। सो अब बात कर लेते हैं बालकनी की। तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक बालकनी है पूरी, इतनी चौड़ी। और बिल्कुल सामने ये स्लाइडिंग वाले गेट है, जिसको हम बंद खोल सकते हैं जब हमारा दिल करे। काफ़ी अच्छी बालकनी है, खुली डुली चलने लायक है। और यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन आ जाएगी, इसे मम्मी यहीं पर ही कपड़े धोएगी और यहीं पर ही बाहर सूखने के लिए डाल देगी। और मैं आपको लास्ट वाला कमरा दिखाता हूँ जो अंदर है सबसे।
सो गाइज एक स्लाइडिंग गेट ये वाला है जिसके अंदर कांच लगा हुआ पूरा, और एक ये वाला है, ये नेट वाली है पूरी, जिससे मतलब मच्छर वगैरह अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि बाहर का भी ठंडी हवा चल रही है तो इसको हम खोल देंगे, इस वाले को, कांच वाले को खोल के बाहर, और सिर्फ नेट वाले लगा देंगे जिससे मच्छर वगैरह अंदर ना आए। यहाँ पे वॉशरूम और ये वाला कमरा मेरा और मेरी बहन का, जिसके अंदर हम वीडियोस बनाएंगे, और ये ड्राइंग रूम, यहाँ पे टीवी आ जाएगा, और यहाँ पे किचन है साथ में ही, और यहीं से थोड़ा सा सीधा जाके सामने वाला एक रूम है जो लास्ट रूम है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये यहाँ का लास्ट रूम है जो सबसे पीछे है, ये बड़ी सी अलमीरा है जिसके अंदर मेरे कपड़े आएंगे सारे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मेरे सारे कपड़े हैंग हो जाएंगे यहाँ पे, और नीचे मेरी जीन्स वगैरह आ जाएंगी, और नीचे मेरे शूज़ वगैरह, इसमें भी शूज़ आ जाएंगे, और इसमें भी मेरे शूज़ आ जाएंगे, शूज़ नहीं तो कुछ और आ जाएंगे क्योंकि इतने शूज़ भी नहीं है मेरे पास। और ये दोनों साइड से खुलती है, ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी अभी, कल मेरी मम्मी ने आके सारा साफ़ करा है यहाँ पे। और ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल आ गया जिसके पीछे हम अपना परफ्यूम वगैरह क्रीम वगैरह रख सकते हैं कोई भी। यहाँ पे भी नीचे छोटा सा दराज दे रखे हैं, इसके अंदर हेयर ड्रायर वगैरह हम अपने रख सकते हैं। और इसके ऊपर भी एक जगह दे रखी है जहाँ पे अभी हम सोचेंगे क्या रखना है। तो भी ये खुला पड़ा हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी विंडो लगनी है, और यहाँ पे स्प्लिट एसी लगना है हमारा। सो पहले हम यहाँ पे कौन सा एसी लगा रहे थे, हम जनरल का लगा रहे थे, विंडो, कौन सा विंडो वाला विंडो, फिर वो मना हो गया, फिर हमने स्प्लिट लगाना है यहाँ पे, तो ये विंडो भी कवर हो जाएगी। यहाँ पे भी एक टीवी वगैरह लगाने के लिए जगह दे रखी है, हम सोचेंगे यहाँ पे क्या लगाने क्या नहीं। और साथ में ही एक वॉशरूम है, जो लास्ट दो वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है, एक वहाँ पे है और एक यहाँ पे है। लाइट कहाँ चलेगी इसकी, यहाँ से। सो ये यहाँ का वॉशरूम है, यहाँ की टाइलें भी अलग है, वहाँ पर अलग टाइलें हैं, यहाँ पर अलग टाइलें हैं, और यहाँ पर सेम सीन है, गर्म ठंडा पानी का, ठंडा पानी आ रहा है, इंग्लिश पॉट, और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और ऊपर अपना ये क्या कहते हैं शावर, और यहाँ पे कांच दे रखा है जो अभी हम यहाँ पे सफाई करेंगे, इसकी जो निशान वगैरह लगे हुए हैं ये सारे हटेंगे अभी। गाइस ये वाला वॉशरूम उस वाले वॉशरूम से ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर भी एक प्यारा सा वुडन गेट दे रखा है, और यहाँ पे भी वाइट कलर का सिंक दिया हुआ है, और नीचे ही दराज है जिसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं। ये साफ नहीं हुआ अभी, साफ करना है, कल आके करूँगा मैं। और यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी स्पेस दे रखी है सामान रखने के लिए। तो गाइस अभी मैंने आपको पूरा घर दिखाया, बट सारी लाइट्स बंद थी, अब मैं आपको सिनेमैटिक टेक दिखाऊंगा। सो अभी मैं आपको पूरे घर के सिनेमैटिक टेक दिखाऊंगा लाइट्स ऑन करके। बाहर वाला रूम है उसको तो लाइट्स की जरूरत ही नहीं है, मतलब इतनी बड़ी विंडो है, बाहर की नेचुरल लाइट इतनी ज्यादा आ जाती है कि नॉर्मल लाइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ रात को पड़ेगी वहां पे लाइट्स की जरूरत।
सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो मैं कल शिफ्टिंग वगैरह करूंगा वो सारी चीजें आपको कल दिखाऊंगा। जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको होम टूर भी करवाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैंने आपको खाली खाली में दिखाया क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ सामान रखने आया हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही टेक लेते हैं। अभी ये रखने आए थे तो चलो मम्मी चले। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मत चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस बाय, टेक केयर, पीस एंड लव। ये क्या देख रहे हो, आपको आते देखने? अच्छा हमारा कौन सा इसमें से? चलो फिर चले, कल आते फिर सामान लेके सारा।